हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ऑपरेटर्स की, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑपरेटर्स कैसे डिफाइन करते हैं, ऑपरेटर जिन्हें हम हिंदी में संकारक कहते हैं। आज हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में जिन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज के लिए ऑपरेटर्स डिफाइन किए गए हैं, आज हम उनके लिए डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ ऑपरेटर फॉर टोटल एनर्जी की, पार्टिकल की टोटल एनर्जी के लिए ऑपरेटर हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी मींस कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, 1/2 mv² या फिर p²/2m। मैं यहाँ पर जो टोटल एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे उस पार्टिकल के लिए बात कर रही हूँ जो कि x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। सो उस केस में उसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होगा px²/2m + vx। वी इज द फंक्शन ऑफ द x कोऑर्डिनेट। जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, देन वी विल बी हैविंग द इक्वेशन ऑफ e-vx दैट इज इक्वल टू द px²/2m। यहाँ पे हमने यहाँ पे px के लिए ऑपरेटर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर होता है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज में ले रही हूँ। px के लिए ऑपरेटर होता है -iota h² / 2m। तो जब हमने यहाँ पे उसका स्क्वायर किया तो हमारे पास में यहाँ पे उसकी वैल्यू आती है -h² / 2m (del²/dx²)। जब हमने इसको यहाँ पे रीअरेंज किया और e को जब हम इधर लेके गए तो हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी। अब क्योंकि साय पूरी इक्वेशन में कॉमन है तो हमने यहाँ से साय को कॉमन लिया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में एक ब्रैकेटेड टर्म आ रही है और वो ब्रैकेटेड टर्म है -h² / 2m (del²/dx²)v। जब इस ब्रैकेटेड टर्म को हम साई पर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें वही वेव फंक्शन मिल रहा है साई, बट हमें एक क्वांटिटी ई से मल्टीप्लाइड होके मिल रहा है और इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑपरेटर। इसकी आइगेन वैल्यू क्या मिल रही है, ई मिल रही है। सो साई तो यहाँ पे आइगेन फंक्शन है और ये -h² / 2m (del²/dx²)v एक ऑपरेटर है। अब मैं आगे बात कर रही हूं इस टोटल एनर्जी के ऑपरेटर की एक डिफरेंशियल फॉर्म में, जिसको हम टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि अगर हमें वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो साई आर टी की वैल्यू या साई एक्स टी की वैल्यू को मैं क्या लिख रही हूँ, ए इरेज टू दी पावर iota h² px(-et)। अब मुझे यहाँ पे इसके लिए एनर्जी ऑपरेटर डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, साय का डिफरेंशिएशन किया है टी के रिस्पेक्ट में। जब हमने यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमें डेल साय ओवर डेल टी की वैल्यू मिलती है, दैट इज ए इंटू द iota h² - e × e^(power iota h² px(-et)। जिसको मैं वापस से रीअरेंज करके लिख सकती हूँ -iota h² × e × psi या फिर 1/iota h² × e×psi। जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, e psi दैट विल बी इज इक्वल टू दी iota h² / ∆ psi/∆t। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑपरेटर है और वो ऑपरेटर क्या है, iota h² / ∆ over ∆t। जब ये साय पर ऑपरेट हो रहा है तो हमें वही वेव फंक्शन मिल रहा है साई, बट लेकिन मल्टीप्लाइड में क्या आइगन वैल्यू मिल रही है, ई। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं एनर्जी ऑपरेटर, दैट इज द iota h² / ∆ over ∆t। और ये ऑपरेटर हमें मिला है इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने एनर्जी ऑपरेटर को दो टर्म में रिप्रेजेंट किया है, एक तो पोजीशन और मोमेंटम के फॉर्म में जो कि था -h² / 2m (del²/v) और दूसरा है टाइम के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, दैट इज द iota h² / ∆ over ∆t। आगे मैं बात कर रही हूँ ऑपरेटर फॉर द मोमेंटम की, किसी भी संवेग के लिए हम ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज हमारे पास में एक पार्टिकल है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब उस मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है साई एक्स टी से, एंड दैट इज इक्वल टू द ए ई रेज टू द पावर iota(kx−ωt)। हम जानते हैं कि मोमेंटम को हम प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट यानी कि संचरण नियतांक k के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला दिया जाता है दैट p इज इक्वल टू दी h² k और एनर्जी दी जाती है e इज इक्वल टू दी h² ω। सो जब हमने यहाँ से k और ओमेगा की वैल्यू को मोमेंटम और एनर्जी के फॉर्म में यूज में लिया तो हमारा वेव फंक्शन हो जाता है साई एक्स टी इज इक्वल टू दी ए रेज टू दी पावर iota(px·ex−et)। अब हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया है x के रिस्पेक्ट में, हमने किया है डेल साई ओवर डेल x, उसकी वैल्यू है a इंटू दी iota(px·e·px·ex−et)/h। इसको मैं वापस लिख सकती हूँ iota(px·ex·et)/psi,
जब मैंने यहाँ पे इसको रीअरेंज किया तो मैंने देखा कि h cross upon iota del psi और del x बराबर आ रहा है px sin। हमने जब ऑपरेटर के डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि एक ये हम यहाँ देख सकते हैं कि h cross upon iota del over del x, जब मैं इस क्वांटिटी को या इस फंक्शन को साई पर ऑपरेट कर रही हूं तो मुझे रिजल्ट में वही वेव फंक्शन साई मिल रहा है, बट उसके मल्टीप्लाइड में क्वांटिटी हमें मिल रही है दैट इज अ px, वो है x डायरेक्शन में पार्टिकल का मोमेंटम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज अ मोमेंटम ऑपरेटर और उसकी वैल्यू क्या है h क्रॉस अपॉन आयोटा डेल ओवर डेल एक्स, जिसको मैं ये भी लिख सकती हूँ माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। तो जब हमने यहाँ पर ऊपर अभी जब हमने एनर्जी ऑपरेटर डिफाइन किया था तो हमने यहाँ पे पी एक्स की जगह इस ऑपरेटर को ही यूज में लिया था, जहाँ पे हमने माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल ओवर डेल एक्स की वैल्यू को यूज में लिया था। अब देखिए हम जानते हैं कि साई एक्स टी जो होता है दैट इज आइगेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर, पी एक्स उसकी आइगेन वैल्यू है एंड दैट इज ऑपरेटर। तो इसी प्रकार से हम पी एक्स के जैसे ही पी वाई और पी जेड के लिए भी ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं। पी वाई इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, वाई दिशा में कण का संवेग है और उसकी वैल्यू होगी एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल ओवर डेल वाई या फिर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल वाई। पी जेड की वैल्यू होगी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल जेड। तो अगर हमें यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर को डिफाइन करना होगा तो हम डेफिनेशन कैसे देंगे, द मोमेंटम ऑपरेटर इज डिफाइंड एज द ऑपरेटर बैंड विच इज ऑपरेटिंग ऑन द वेव फंक्शन रिप्रोड्यूसेस द सेम वेव फंक्शन बट मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंटम। कि यह एक ऐसा ऑपरेटर है जब हम उसको किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो हमें रिजल्ट में वही वापस से वेव फंक्शन मिलता है बट वो मोमेंटम से मल्टीप्लाइड हो जाता है। और अगर हमें यहाँ पर इस ऑपरेटर को थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना होगा तो थ्री डायमेंशन में हम उसका रिप्रेजेंटेशन देंगे p बराबर एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल, डेल ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। आगे मैं बात कर रही हूँ दूसरे टाइप के ऑपरेटर की, दिस इज द ऑपरेटर फॉर द काइनेटिक एनर्जी, कण की गतिज ऊर्जा के लिए संकारक की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर की डेफिनेशन को यूज में लिया है। अब देखिए मोमेंटम ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या कहती थी कि जब एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल ओवर डेल एक्स को साई पर ऑपरेट किया तो हमें क्या मिलता है पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय साई। ठीक है, अब हमने क्या करा है यहाँ पे इस इक्वेशन का वापस से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। जब हमने यहाँ पे इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो देखिए क्या मिलेगा h क्रॉस अपॉन आयोटा डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर दैट विल बी द px इनटू डेल साई ओवर डेल एक्स। बट हम क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि डेल साई ओवर डेल एक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू होगी आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू दी पी एक्स साई। जब हमने ये वाली वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रखा तो हमें देखिए इक्वेशन मिलती है h cross upon iota del 2 psi over del x square that is equals to the px into the iota upon h cross px into psi। सिंप्लीफाई किया हमने तो देखिए हमारे पास में क्या टर्म आती है h cross square del 2 psi over del x square that is equals to the minus px square into the psi। रीअरेंज किया हमने इसको तो इस केस में देखिए हमारे पास में हमने क्या करा, अब इस इक्वेशन में दोनों साइड में 2m का हमने डिवाइड किया। जब हमने दोनों साइड में 2m का डिवाइड किया तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द पीएक्स स्क्वायर अपॉन 2m साई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पीएक्स स्क्वायर अपॉन 2m क्या होता है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है। तो हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया दैट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द के साई एंड के हेयर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर को जब साई पर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें वही वेव फंक्शन मिल रहा है साई बट हमें आइगन वैल्यू क्या मिल रही है काइनेटिक एनर्जी। सो दिस ऑपरेटर इज नोन एज द ऑपरेटर फॉर द काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द ऑपरेटर जिसके आइगन वैल्यू क्या है पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। और अगर हमें इसको थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना होगा तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। अब आगे हम एक टेबल के द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी ऑब्जर्वेबल या फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए मैं ऑपरेटर्स की बात करूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल शो करी है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि मैंने फिजिकल क्वांटिटी की बात करी है। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जैसे पोजिशन कि किसी भी पार्टिकल की पोजिशन जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर होगा एक्स। और अगर हम थ्री डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो r वेक्टर के लिए क्या होगा r वेक्टर। अगर मोमेंटम की मैं बात कर रही हूं तो मोमेंटम के लिए सिंबल उसका रिप्रेजेंटेशन हम देंगे px से और इसके लिए ऑपरेटर होगा h क्रॉस अपॉन आयोटा डेल x या फिर माइनस आयोटा। हम जानते हैं वन अपॉन आयोटा किसके बराबर होता है माइनस आयोटा के इक्वल होता है। सो px विल बी इज इक्वल टू दी माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल x। py के लिए वैल्यू होगी h क्रॉस अपॉन आयोटा डेल ओवर डेल y। pz के लिए h क्रॉस अपॉन आयोटा डेल ओवर डेल z। और अगर हमें थ्री डायमेंशन में बताना है
तो पी की वैल्यू होगी एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी के लिए ऑपरेटर दिया गया था पी स्क्वायर अपॉन टू एम, उसका रिप्रेजेंटेशन था टी, और इसके लिए ऑपरेटर था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर। थ्री डायमेंशन में है, अगर हमें वन डायमेंशन में बताना है तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा टी एक्स, और ऑपरेटर की वैल्यू होगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करती हूँ तो उसका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वी से, और उसके लिए ऑपरेटर भी वी ही है। टोटल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन देते हैं ई से, अगर हमें टाइम के डिफरेंशिएशन के रूप में बताना है तो उसका ऑपरेटर होता है आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, और अगर हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो देखिए उसका फॉर्मूला होगा एच दैट विल बी द माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अभी बात करी है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज है उनके लिए डिफाइन किए गए ऑपरेटर्स की, और हम उनको किस प्रकार से डिराइव करते हैं। थैंक यू सो मच।